हेलो फ्रेंड्स, ये निक्टेंथस का पौधा है जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। यह फैमिली ओलिएसी से बिलोंग करता है। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो ये साउथ ईस्टर्न एशिया में माना जाता है इसका ओरिजिन। निक्टेंथस का मतलब यह होता है कि नाइट ब्लूमिंग, यानी कि रात में जो है फूल खिलाने वाला। और इसकी पत्तियों की बात की जाए तो देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो है अरेंज हैं। और इसकी पत्तियों की जो है लेंथ जो है 6 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और चौड़ाई की बात की जाए तो 2 से 2 सेंटीमीटर हो सकती है। इस पौधे को जो है ट्री ऑफ सैडनेस के नाम से भी जानते हैं। ट्री ऑफ सैडनेस के नाम से इस वजह से जानते हैं क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि श्राप लगा हुआ है, कि इसमें जो है कोई भी जो है फ्रूटिंग नहीं होगी, यानी कोई भी इसमें फल नहीं आएगा। और इसका जो है रिलेशन ऐसा माना जाता है कि माइथोलॉजिकल भी है। अर्जुन जो है, जो कि वो स्वर्ग से इस पौधे को लाए थे, और माता कुंती जो है इसको शिव जी को जो है वो फूल अर्पित करती थी। इसके फ्लावर जो है वाइट कलर के होते हैं, और इसका जो है बेस पर जो है वो ऑरेंज कलर की जो है वो डंडियां होती हैं। और बात की जाए कि हरसिंगार के पौधे की जो कि जो है 10 से 15 फीट तक हाइट तक हो सकता है, इसे गमले में भी जो है हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो यह जो है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन को कम करने के उसमें जो है यूज़ होता है, और फीवर में भी यूज़ होता है, पेन रिलीवर, या किसी को गठिया है या स्किन डिजीज में भी जो है इसका यूज़ होता है। और इसमें जो है सुबह होते होते जो है फूल जो है सारे जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं। यह देखिए, इसका स्टेम जो है गोलाकार ना होकर के क्वाड्रेंगुलर होता है, क्योंकि इसके स्टेम में जो है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो कि एक एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ है। थैंक यू।